नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सही है या गलत है। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन है और इस पैंडेमिक के समय में गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो उसके निर्देश हैं, उसको हमें फॉलो करना है। और इस दरमियान अगर पप्पू यादव भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, उन लोगों से मिल जा रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, उनकी हाल चाल ले रहे हैं, भलाई का काम है, लेकिन 144 भी लागू है। धारा 144 का मतलब होता है कि किसी एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर 5 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तो वो एक अपराध है, वो 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब ये उल्लंघन करता है व्यक्ति, तो वहाँ धारा 188 हिट करती है, जो जिसमें 6 महीने तक की कारावास और 1,000 रुपये तक के जुर्माने के, मैक्सिमम 1,000 रुपये तक के जुर्माने हैं। और संक्रमण के चलते एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, इसलिए आईपीसी की धारा 271 भी लगती है। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, जिसमें 6 माह तक की सजा है, तो अगर इसमें किसी जान माल का खतरा है तो ये सजा बढ़ा के 1 साल तक की जा सकती है। तो ये सारी कंडीशन है कि धारा 144 का उल्लंघन होता है तो ये यह अपराध बनते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो काम उनका है वो बाकी लोग क्यों कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट फेल है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल्स को तोड़कर कोई ऐसा काम करते हैं तो वो अपराध है। और इससे आप समझ गए होंगे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कानून की नज़र से ठीक है या सही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस पे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और